फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और काफ़ी दिन से आप लोगों को इंतजार रहा होगा इस एग्जाम का। आज यूपी पीसीएस का एग्जाम था दोस्तों, और आज की डेट है 28 अक्टूबर 2018 को, और प्रीलिम्स का पेपर जो है आपका समाप्त हो चुका है। तो मैं चाहूँगा कि जितने लोग भी प्रीलिम्स का पेपर दिए थे वो जल्दी से अपने आंसर शीट को मिला लें, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो हमारे चैनल से ही आया था। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको लगा होगा बिल्कुल, ठीक है। और हमारे जो है आंसर बताने का तरीका होगा, हम यहाँ पे क्वेश्चन पे नहीं बात करेंगे, सीधे आपको आंसर बताएंगे ताकि हम कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें बता सके। तो पहला क्वेश्चन जो अच्छा, जो लोग अदर स्टेट के हैं वो लोग भी देखेंगे क्वेश्चन, रोक रोक के पढ़ लेंगे, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा आपका समपोषणी विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये आपका राइट आंसर होगा, सी वाला। दूसरा जनसंख्या दिवस के बारे में पूछ रहा है, इसमें राइट उत्तर होगा आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। और अगला है गरीबी रेखा का निर्धारण पूछा है, तो याद रखिए इसमें योजना आयोग यानी अब नीति आयोग जो है ये गरीबी रेखा का निर्धारण करवाती है। और आगे है सड़कों की लंबाई के बारे में क्वेश्चन पूछा है, देखिए यहाँ पर लंबाई लिखा है, वर्तनी में काफ़ी सारा मिस्टेक था, तो याद रखिए महाराष्ट्र यहाँ पर राइट आंसर है। कुछ लोग यूपी बोल रहे हैं, यूपी गलत है दोस्तों, महाराष्ट्र नंबर एक पर है, ठीक है, सड़कों की लंबाई में। और पाँचवा प्रश्न जो दे रहा है कि प्रत्यक्ष कर कोड के बारे में पूछ रहा है, डायरेक्ट टैक्स, तो ये कॉमन सी बात है, इनकम टैक्स से संबंधित है, ठीक है। इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, बाकी जो जितने यहाँ पर दे रहे हैं वो सब इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर हैं। अगला है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है एम्स्टर्डम में। कहां पर है दोस्तों? एम्स्टर्डम में है। मिलाते चलेगा फटाफट। कह रहा है कि एबीसी इंडेक्स से संबंधित है, तो याद रखिए स्वास्थ्य से संबंधित है, एबीसी इंडेक्स किससे? स्वास्थ्य संबंधित है। और अगला है आठवां क्वेश्चन, आप देख पा रहे हो इसमें प्रतिशत पूछा है, तो याद रखो लेटेस्ट जो आपका आंकड़ा है वो 55 है। कुछ लोग 45 बोल रहे हैं, नहीं, ठीक है, याद रखिएगा 55 आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सारे उत्तरों की जांच करके तब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग अपलोड किए हैं लेकिन वहाँ पर बहुत सारा मिस्टेक है, आप खुद मिला सकते हैं। मुझे इतना टाइम इसी वजह से लगा, शाम को 7 बज गया अपलोड करने में वीडियो, और वो इसलिए लगा दोस्तों क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैंने सर्च किया है, ठीक है, और इत्मीनान से देख करके। यहाँ पर द्वितीय प्रदूषक के बारे में पूछ रहा है, याद रखिए स्मोक जो है आपका द्वितीय प्रदूषक है। और आगे बोल रहा है ये देखिए इकोनॉमी से क्वेश्चन आया है, सॉरी इकोनॉमी नहीं, इकोलॉजी से क्वेश्चन आया है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा कोरल लीफ। क्या होगा? कोरल लीफ। इसमें थोड़ा सा डाउट बनता है दोस्तों क्योंकि कोरल लीफ भी बहुत राइट आंसर बन पा रहा है और उष्णकटिबंधी वर्षा वन, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अपने डाउट वाले पार्ट में रख सकते हो। हालांकि अगर आप बी और सी में से मारे हो तो काफ़ी आप नज़दीक हो, ठीक है, लेकिन सबसे बेहतर जो आंसर होगा वो आप यहाँ पर बी और सी मुझे दोनों लग रहा है, ठीक है, तो ऐसे में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है ना, देखिए उष्णकटिबंधी वर्षा वन के जगह पे अगर यहाँ पर सदाबहार वन का इस्तेमाल कर दिया होता, लिख दिया होता, ये शब्द सदाबहार लिख दिया होता, मजा आ जाता था दोस्तों, तब मजा आ जाता, ठीक है, तब ये सी वाले ऑप्शन को काट के आगे चला जाता। लेकिन उष्णकटिबंधी वर्षा वन में भी वहाँ भी विविधता पाई जाती, लेकिन कोरल लीफ एक अलग उत्तर बन सकता है, ठीक है। अगला देखिए, कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता, तो याद रखिए जो मोती है दोस्तों ये कीटों से प्राप्त नहीं होती, ठीक है, याद रखिए ये जली जीव है, ठीक है, ये कोई कीट नहीं है। आगे है कि सामान्य परिस्थिति में पूछा है डेसिबल के बारे में, तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका 20 डेसिबल है। क्या है राइट आंसर? 20 डेसिबल। आगे है कोप 21, बड़ा पुराना क्वेश्चन पूछ दिया, पेरिस में हुआ था, कोप 21 कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था, ठीक है। और अगला देखिए, अगला बोल रहा है कि अच्छा ये भारत वाला पूछा है, तो याद रखिए 2008 में हुआ था, ठीक है, 2008 में। बहुत सारे लोग मिस्टेक किए हैं 2015 मारे, नहीं दोस्तों 2015 नहीं है, ठीक है, 2008 आपका राइट आंसर है। आगे मिलाते जाइए फटाफट। कह रहा है अच्छा, थोड़ा सा आपको हो सकता है स्क्रीन ब्लर नजर आए, लेकिन आप ये मैं सेट ए की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, सेट ए जिसके पास होगा दोस्तों, ये सेट ए की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन अगर नहीं जानते हैं तो इसको आप ढूंढ लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि कहाँ पे पार्श्विक तंत्र सबसे अच्छा होता है, तो याद रखिए सागर में, ठीक है, महासागर में सबसे बेहतर होता है। और इंसिनरेटर्स के बारे में पूछा है, तो ये क्या होता है? कूड़ा कचरा जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका, ठीक है, इंसिनरेटर्स। और हरित गृह प्रभाव ये भी आपको पढ़ाया गया, वैश्विक ताप में वृद्धि से संबंधित है, ठीक है, 17 में ये हो जाएगा। 18वां जो है दोस्तों प्राकृतिक गैस के बारे में पूछा है, तो मीथेन जो है आपका राइट आंसर है, ओके। 19वां देखिए, 19वां में आपका गिद्ध वाला क्वेश्चन आ गया, एनसीईआरटी में दिया था, मैं आपको पढ़ाया भी था, डी क्लोरोफिनेक हो जाएगा उत्तर, डी वाला आंसर हो जाएगा। 20वां में दोस्तों CO2 के उत्पादन में सबसे ज़्यादा चीन है, ठीक है, ये भी आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। 21वां ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन यहाँ पर सही है, तीन ऑप्शन देकर के अगले पूछा था। देखिए यहाँ पर हिंदी जो है दोस्तों गलत लिखा हुआ है, ठीक है, आपदा युक्त नहीं, ये एक्चुअली इंग्लिश में लिखा है आपदा मुक्त देश है, ठीक है, ये मिस्टेक है, लेकिन इंग्लिश ही मान्य होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर बनता है वो बन जाएगा 1, 2, 4, 3 वाला तो एकदम ऑलरेडी गलत हो जाएगा, 3 जहाँ भी रहेगा वो कट कर दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा।
आगे बिल्कुल सही बता रहा हूँ एकदम, आप इत्मीनान से देखते चलिए और फटाफट मिलाते चलिए, ठीक है। बिल्कुल सारी चीज़ों को ढूंढ करके आपके सामने लाया गया है। और 22वां है तो इसमें याद रखिए सबसे तेज जो वेग होता है वो प्रकाश का होता है। ग्रेफीन के बारे में पूछा था, ग्रेफीन क्या है, ये कार्बन का एक नैनो प्रतिरूप होता है, ठीक है, इसको याद रखिए। ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ पे होता है, इस्पात में होता है, सभी को पता होगा इस्पात में होता है। 25वां पूछा है आंखों में क्या लगता है, तो ये पैरासिटाइल नाइट्रेट है, इसका उत्तर डी वाला है। और आगे अब ब्रीफ हिस्ट्री, अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई थी स्टीफन हॉकिंस की, उन्हीं की किताब है, ठीक है, 26वां में हो जाएगा। 27वां पूछा है तो भैया आंवला है, ठीक है, सभी को पता होगा गर्म करने पे कुछ भी नहीं खत्म होता, इसमें आंवला में विटामिन सी। और आगे पूछ रहा है कि कौन सा रहने के लिए सबसे उपयुक्त है, अभी भी बताना पड़ेगा, मंगल, ठीक है, बचपन से जानते हैं। आइंस्टीन को किसके लिए जो है पुरस्कार दिया गया था, ये आपको पूछ दिया है, तो प्रकाश वैद्युत सिद्धांत के लिए, किसके लिए, प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए दिया गया था। 30वां जो क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, इसमें याद रखिए सौर ऊर्जा से कोई भी प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है, यानी बी हो जाएगा। 31वां में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सभी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि समाजवादी, उदारवादी, गांधीवादी सब सही है, ठीक है। 32वां ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका योजना आयोग है, योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा जाता है, योजना आयोग को, ठीक है, हालांकि अभी रहा नहीं। अच्छा 33वां देखिएगा क्या है, तो पीएन भगवती पिछले साल में पढ़ाया था इनके बारे में, सोचा था पीसीएस में क्वेश्चन आएगा, लेकिन पिछले साल ना पूछ करके इस साल जाके क्वेश्चन पूछा, पीएन भगवती, पिछले वर्ष इनकी मृत्यु हुई है। आगे है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इस किताब के लेखक कौन है, संजय बारू नाम है, क्या नाम है, संजय बारू, ये भी मैं आपको पढ़ाया था, ठीक है। आगे देखिए भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो वो जिस दिन 26 नवंबर को हुई थी, याद रखिए संविधान दिवस इस दिन मनाया जाता है। और 36वां क्वेश्चन जो बोल रहा है दोस्तों, भंग किया जा सकता है लेकिन समाप्त, सॉरी भंग नहीं कर सकते लेकिन समाप्त किया जा सकता है, विधान परिषद, राज्यसभा मत करिएगा, विधान परिषद, 36 में डी हो जाएगा। 37वां जो दोस्तों, यहाँ पर 1985 हो जाएगा, ठीक है, और कई लोग 86 करके आए बट यहाँ पे गलत है, ठीक है, 85 याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 85 आपका राइट आंसर है। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना है, तो ये 20 है, पढ़ाया गया आपको, याद रखिए कितना है 20, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा लोकसभा में पूछा है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई नहीं बन सकता, क्योंकि कई को चेंज कर दिया गया, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व, यार ये गलत हो गया, देखो ये यहाँ पर क्या है ना कि ये थोड़ा सा मिस्टेक क्वेश्चन है, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, ठीक है, 20 दूसरा था, तो चलो इसको डी कर लेना। 39वां देखना दोस्तों, 39वां में 32 टीमों ने भाग लिया था, कितने लोग, 32 टीमों ने भाग लिया था। 40वां मिलाइए, 40वां में नेपाल से जो है रामायण सर्किट की शुरुआत की गई थी, नेपाल से रामायण सर्किट की शुरुआत की गई। 41वां जो क्वेश्चन है याद रखिए, बस्ती जो है ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे यहाँ से नहीं गुजरेगा, ठीक है, याद रखिएगा, बस्ती है। ई गवर्नेंस सूचकांक में जो भारत का स्थान है दोस्तों, ये 96वां स्थान है, 96, ओके। इसके बाद है बीमारी, अच्छा निपा वायरस, ये तो फेमस है, क्वेश्चन रहा है, ठीक है, ये आपका केरल हो जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जो है दोस्तों, ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है, ठीक है, दिल्ली उत्तर हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक में जो स्थान पूछा है, बताइए कौन सा स्थान है, ये भी आपको पढ़ाया गया है, 136वां स्थान है, कौन सा, 136वां स्थान है, ठीक है। आगे देखिए 46, तो 46 में याद रखिए ये वाला कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है वाराणसी में, कहाँ पर, वाराणसी में। अगला है धान का संशोधित, सॉरी धान का जो है एमएसपी क्या रखा गया है, ये आपको बताना है, तो याद रखिए बढ़ाया गया था अभी 100 रुपये, 1750 हो गया, 1650 से बढ़ के, ठीक है, 1750 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 जो दोस्तों, इसमें इमरान खान अभी प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, ठीक है, काफ़ी चर्चा में भी रहे हैं, तो 48 का बी हो जाएगा। 49 का याद रखिए, यहाँ पर दोनों हो जाएगा, सोनम वांगचुक और भारत वाटवानी दोनों को रेमन मैक्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया है। 50वां जो दो दोस्तों, ये हुआ दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया है, ठीक है, कई लोग ब्राजील करके हैं, नहीं दोस्तों पुराना था, ठीक है, ब्राजील नहीं, आपका दक्षिण अफ्रीका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। इसके अलावा शुक्ल यजुर्वेद वाले में कौन सा आंसर सही है, बताइए, ये भी पढ़ाया गया आपको, वाजसनेमी है, क्या है, वाजसनेमी है, ठीक है, हिस्ट्री जो पढ़े होंगे वो करके आए होंगे। और 52 में देखे दिया है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ और कारण दे दिया इसका, तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर आपका राइट है, तो याद रखिए दोनों सही यहाँ पर, यानी कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपका। 53 में दोस्तों यहाँ पर एक कूट दे दिया था, तो याद रखिए 53 में क्या होगा, यहाँ देखिए 53 में सबसे पहले बना था सप्त पैगोडा, सबसे पुराना था, ठीक है, और उसके बाद जाके महाबलीपुरम, तम गंगई चोलकुंडम, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे है हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में पूछा है, तो खारवेल से संबंधित है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है, 54 हो गया। 55 जो दे रहा दोस्तों,
55 थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन था, बट बहुत आसान था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी बात की गई थी, मतलब कथन ठीक ठाक थे लेकिन व्याख्या जो थी वो मजेदार व्याख्या नहीं थी, तो यहाँ 55 में क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। 56 की बात करते हैं, पशुपालन के प्रमाण तो बागौर से मिले हैं, सब पढ़ा पढ़ाया क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। कौन सा सही नहीं है, तो अदीना मस्जिद दोस्तों ये मांडू में नहीं है, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, ये सही नहीं है, तो 57 में ए हो जाएगा। 58 जो इधर आते, तो यहाँ भी पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं, ये अपने आप में थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, बहुत टिपिकल था, और इसका उत्तर अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है, इसमें मेरा भी कन्फ्यूजन है, तो इसको मैं ढूंढ के बता दूंगा। तो 58 आप छोड़ दीजिए, 59 पे आ जाइए, यहाँ पर भी हंटर आयोग, सेडलर वुड का घोषणा पत्र और सार्जेंट योजना के बारे में पूछा है, तो आपको राइट आंसर लगाना, तो याद रखिए यहाँ पर आंसर होगा आपका डी, ठीक है। पहले वुड का घोषणा पत्र आया था और सबसे लास्ट में सार्जेंट योजना, ठीक है, तो डी वाला कर लीजिएगा। और इसके बाद जो 60वां क्वेश्चन है, तो ये तो फेमस क्वेश्चन है, अभिनव दामोदर सावरकर, सॉरी विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, अभिनव भारत समाज वाला, ठीक है, ये भी आपको पढ़ाया गया है। 61 में बताइए क्या सही है, 61 में, तो याद रखिए 61 में आपका हो जाएगा डी, अहोम विद्रोह जो था ये 1815 में नहीं हुआ था, ठीक है, ये गलत है आपका अहोम वाला। इसके बाद सबसे ऊंचा जलप्रपात, देखिए हर बार गलती होता है, आप देखिए आयोग यहाँ पे क्या मानता है, हालांकि तो जो गलसप्पा और कुचिकल दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन है, तो इसको आप कन्फ्यूजन क्वेश्चन में डाल दीजिए, हालांकि जो आप राइट आंसर मारिएगा वो जोक को मारिएगा, कई बार जो है आयोग ने कुचिकल को भी माना है, ठीक है, तो दोनों लेके आप एक बार चलिएगा। वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, इस कथन के बारे में पूछना है, तो ये थान थ्वेट का कथन है, ठीक है, थान थ्वेट राइट आंसर है। टीना टीना डाबी पास हो गई, ठीक है, तो टीना क्या है, टीना पास यानी अर्जेंटीना से बना लीजिएगा, टीना पास यानी 64 में क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। 65 में फिर से आपको सुमेलित करने के लिए दिया, पूछा कौन सा नहीं है, तो गिप्सन जो है दोस्तों ये ब्राजील में नहीं है, ये गलत है, ठीक है, यानी 65 में डी हो जाएगा। 66 में क्या है आप बताइए, 66 में काफी उत्पादक देशों को आप सीरियल से आपको लगाने के लिए बोला, तो याद रखिए यहाँ पर बी वाला आंसर हो जाएगा, 66 ना, हाँ 66 में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सबसे आगे जो आपका ब्राजील है, ठीक है, उसके बाद वियतनाम है, और लास्ट में जाके आपका इंडोनेशिया है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए स्वेज नहर के बारे में पूछा, तो ये भी आपको पढ़ाया गया, तो 7000 किलोमीटर आपका राइट आंसर है, वैसे 7200 किलोमीटर बोला जाता है। और आगे देखिए थोड़ा सा, देखिए क्वालिटी यहाँ पर डाउन है, अब जैसा भी मुझे पीडीएफ मिल पाया उसी हिसाब से मैं काम किया, और आप लोगों ने भी नहीं से भेजा हमारे पास, नहीं तो मैं यहाँ पे क्लियर पीडीएफ रख देता, कोई दिक्कत नहीं, आप एडजस्ट कर लो। तो 68 में मौसम मुख्यालयों की बात करें, ये अपने आप में बहुत टिपिकल क्वेश्चन था, मुझे पता है कि ये ज़्यादातर लोगों का तुक्का लगाने पर सही होगा, और लेकिन कर नहीं पाएंगे, ठीक है, बहुत मुश्किल था, शायद मेरे सामने भी आता तो मैं भी इस चीज़ को गलत करता। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों याद रखिएगा, डी आपका राइट आंसर है, पहले बी है, ठीक है, बी यानी सबसे पहले कोलकाता में हुआ और सबसे बाद में नई दिल्ली में, ठीक है, ये बात याद रखिए। आगे है मिट्टी के बारे में पूछा, और पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे भी आपका राइट आंसर डी है, ठीक है, हिमालयी क्षेत्रों में काली मिट्टी नहीं पाई जाती, पठारी क्षेत्रों में होती है। मैकमोहन रेखा फेमस है, ठीक है, भारत चीन के बीच में, जानते होंगे आप लोग। और पक्षी के पंजे का आकार कहाँ बनता है, तो ये मिसिसिपी में बनता है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है, 71 में डी है। 72 में पूछा है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है, ठीक है, प्राकृतिक वृद्धि, यार बड़ा क्वालिटी डाउन लग रहा है, हैं, एक सेकंड रुकिए, तो अभी क्वालिटी सही होगी आप लोगों की, ठीक है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, अभी एक और मेरे पास पीडीएफ आ गया था तो मैंने कहा इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए 72 यहाँ पे पूछ रहा है, तो 72 में जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर के बारे में पूछा है, कौन सा इसका परिणाम है, तो याद रखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ए और बी दोनों है, ठीक है, यानी अशोधित जन्म दर और मृत्यु दर दोनों यहाँ पे माना जाएगा, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। और अगला है SDI सर्वप्रथम किसने दिया था, तो याद रखिए UNDP ने दिया था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यही है ना। और सबसे बड़ा ये कार्यक्रम पूछा है, तो मनरेगा जो है आपका सबसे बड़ा कार्यक्रम है। लॉरेंज वक्र के बारे में पूछा है, ये भी काफ़ी सारे लोग गलत किए हैं, याद रखिए आय की विषमता से संबंधित है लॉरेंज वक्र, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। और 76 में लिंगानुपात के आधार पर पूछा है कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ये फेमस उत्तर है, यानी हरियाणा, ठीक है। आगे देखते चलिए कितना हो गया, यहाँ पे 76 हो गया, 76 के बाद 77 पे पहुँचते हैं हम लोग। 77 पे पूछा है कि कौन सा ग्राम पंचायतों द्वारा कर लगाया जा सकता है, तो स्थानीय मेलों पर कर लगाता है, ठीक है। 78 पूछा है संपोफड़ी विकास किसका मैटर था, तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का था, ठीक है, ग्रामीण भी कुछ लोग मारे हैं, गलत है, 12वीं याद रखेगा। 79 में पूछा आपका कौन सा शहर नहीं चुना गया, तो गाजियाबाद को नहीं चुना गया दोस्तों, ठीक है। आगे है 80 में कौन सा आपका है, तो 2.2 आपका राइट आंसर है, ठीक है, 2.2।
और आगे है बीपीएल परिवारों की पहचान में कौन सी समिति गठित की गई है, तो याद रखिए हाशिम समिति आपका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तेंदुलकर समिति बहुत सारे लोगों ने किया है, नहीं तेंदुलकर भी नहीं और लकड़वाला भी नहीं, हाशिम समिति आपका क्या है राइट आंसर है। ठीक है, और 82वें में आप याद रखिए यहाँ पर 21.54 है। ठीक है, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार पूछा है, हालांकि मुझे लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ी होने वाली है, बट आप यही करेगा क्योंकि मुझे लग रहा था कि 23.54 है, लेकिन बाद में जब मैंने सर्च किया तो इसका उत्तर मिला आपको सी वाला। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। आगे है बाघ परियोजना के बारे में पूछा है, तो ये परियोजना स्टार्ट हुई थी 1972 में। ठीक है, यानी बी वाला कर लीजिएगा आप। और इसके बाद एक जीवोम के बारे में पूछा है, एक्चुअली जीवोम नहीं होता, जीवोम होता है। ठीक है, और फसली भूमि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। इसके बाद है कौन सा जानवर बिना पानी पिए रह सकता है, तो कंगारू चूहा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग गलती किए हैं, ऊँट किए हैं, लेकिन उसके अलावा कंगारू चूहा जो दोस्तों ये बहुत लंबे समय तक रह सकता है, ये आपका राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है, तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों का गलत भी हुआ होगा। ठीक है, मैं भी कभी नहीं पढ़ाया था, इसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। और बायोडाइवर्सिटी से जो क्वेश्चन आया है ये बना है जामनगर में, कहाँ बना है जामनगर। ठीक है, जामनगर याद रखिए। आगे दक्षिग्राम में कौन सा है, तो ये हंगुल या कश्मीरी स्टैग। ठीक है, यहाँ पर कस्तूरी मृग भी कुछ लोग किए हैं, नहीं कश्मीरी मृग नहीं होगा दोस्तों, ये हंगुल या कश्मीरी स्टैग आपका राइट आंसर है। और बी, ये देखिए डेट वाला क्वेश्चन पूछ दिया, तो यहाँ पे राइट आंसर है बी, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कौन सा मृदा से संबंधित है, याद रखिए इडेफिक, इडेफिक जो है मृदा संबंधित है। कई लोग क्लाइमेटिक माने हैं, कई लोग टोपोग्राफी किए हैं। ठीक है, इडेफिक राइट आंसर है 89 में। 90 में याद रखिए स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, समताप मंडल, ये भी पढ़ के रखिए। आगे देखिए 91 जो है दोस्तों, यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चक्रवात तूफान बवंडर सब कुछ आता है। 92 में दोस्तों आपका वनस्पति बाघ राइट आंसर है, यहाँ पे कौन सा नहीं है पूछा है, हालांकि मेरे हिसाब से डी वाला होना चाहिए, ये भी आप कंफ्यूजन में उठा कर रखना। देखो चार पांच क्वेश्चन मैंने पहले बोला यार कंफ्यूजन में है, ठीक है, उसका राइट आंसर नहीं मिला है, क्योंकि अब आयोग क्या मानता है आयोग के ऊपर डिपेंड करता है ना। और यहाँ पर जो है दोस्तों ये ओजोन आपका राइट आंसर है 93 में। 94 में नॉर्मन बोरलॉग फेमस हैं, ठीक है, इनको कृषि के लिए मिला था, तो 94 में ये हो जाएगा। इसके बाद 95 में आपका ओजोन परत ट्रोपोस्फीयर, गलत है, स्ट्रेटोस्फीयर था, पीछे हम लोग पढ़े हैं, तो डी वाला उत्तर है। 96 में याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर भी सिमलीपाल मध्य प्रदेश नहीं छत्तीसगढ़ ही होता है, ठीक है, तो डी वाला भी गलत हो जाएगा। 97 जो दे रहा है यहाँ पर, तो ज्योतिष, ज्योतिष को जो दोस्तों अभी तक विज्ञान नहीं माना गया है, याद रखिएगा। कई लोग जो खगोल की मार के हैं, नहीं खगोल की एक विज्ञान माना गया, लेकिन ज्योतिष को अभी तक विज्ञान नहीं माना गया है। 98 में याद रखिएगा यहाँ पर एक्सरे मशीन होगा राइट आंसर, ठीक है, कौन सा एक्सरे मशीन, ठीक है, ये तो पढ़ाया ना आपको रॉन्टजेन एक्सरे मशीन। डीएनए वाले में वाटसन क्रिक, ये भी पढ़ाया गया आपको, 99 में बी हो जाएगा। 100 में दोस्तों यहाँ पर एक्स कीड़े, सबसे अधिकतम ऊर्जा उत्पादन कौन करती है, एक्स कीड़े, यहाँ पर कई लोग दृश्य प्रकाश किए हैं, गलत है, यहाँ पर एक्स कीड़े राइट आंसर होगा। 101 में सी जो है दोस्तों, ये दोनों याद रखिएगा, धान और दीमक की बाम्बी दोनों से निकलती हैं, ठीक है, सी हो जाएगा। अब देखिए ये वाला आपके लिए हो सकता है नया क्वेश्चन रहा हो, ठीक है, दीमक की बाम्बी, वहाँ से भी जो आपका मेथेन उत्सर्जित होता है, याद रखिएगा, गाय की पगुरी करने से, यहाँ से खेतों से, ये सबसे होता है, कोयले की खादानों से होता है, ये सब याद रखिए। 102 में जो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा सिलिकॉन है आपका राइट आंसर 102 में। 103 में पूछा है, ठीक है, 103 तो बड़ा सिंपल उत्तर था, ठीक है, जिसको भी याद होगा वो मार दिया होगा, ठीक है, तो आपको पता होगा न्याय, सामाजिक आर्थिक, ठीक है, न्याय ना, तीन तरह के न्याय बताए गए हैं। और 104 में दोस्तों यहाँ पर मीरा कुमार को यूपीए द्वारा लाया गया था, ठीक है, और नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष, तो ये भी फेमस क्वेश्चन है, अरविंद पनगड़िया। और आगे देखिए भाषा के आधार पर पहला राज्य है तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, अभी पुराना पुराना क्वेश्चन आ गया, कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो हर लोग सही किए होंगे। 107 में नीति आयोग हो गया, ठीक है, क्योंकि बाकी सब जो है किसी न किसी अनुच्छेद में, बस नीति आयोग को छोड़कर, तो ये क्या है, संविधानेतर संस्था है। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है, तो केंद्र राज्य संबंधों को दर्शाती सरकारी आयोग, पढ़ाया गया आपको, 108 हो गया। 109वां में देखिए संस्थात्मक सरकार सबसे पहले कहाँ बना, तो ये व्यवस्था भी लिया गया ब्रिटेन यूके से, ठीक है, तो आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। 110 में सी वाला जो है अखिल भारतीय अनुच्छेद 312 के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन होता है, ये इसे पूरा कंट्रोल राज्यसभा का होता है, ठीक है, इसको करिएगा। और भाग दो में आपकी नागरिकता बारे में बताया गया है। 112 में आप साधारण बहुमत से, यहाँ देखिए कुछ लोगों ने किया है दो तिहाई बहुमत से, नहीं दोस्तों साधारण बहुमत से भी आधिकारिक भाषा में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है, एंटीक क्वेश्चन था, गलतियाँ हुई होंगी। और बिना अनुमति वाले क्वेश्चन में बताइए कौन सा होगा, 60 दिन, 90 दिन मत करिएगा, 60 दिन, ठीक है, 60 दिन अगर बिना बताया गायब रहेगा तो उसको क्या मान दिया, हटा दिया जाएगा। 114 में
लॉर्ड डफरिन, ठीक है, निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था। अब देखिए यहाँ भी थोड़ा सा मजा लेने वाली बात आती है कि डफरिन भी किया था और कर्जन ने भी, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा एक कन्फ्यूजिंग वाला मैटर बनता है, ठीक है, इसको आप लोग चेक कर लीजिए एक बार। आगे देखिए 115 में क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हीमा दास का मुंहबोला नाम है ढिंग एक्सप्रेस, ठीक है, हीमा दास का मुंहबोला नाम। मैरी काम को हाल ही में किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ये बीएसएनएल का ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई, इसी अभी पिछले महीने की बात है, ठीक है, तो यहाँ पर पहले प्रोजेक्ट खेल कई लोग मार के आए हैं, गलत है, बीएसएनएल का याद रखिएगा, बीएसएनएल का। आगे देखिए 117 में ये आईपीसी की धारा 317 है, अनुच्छेद क्यों आप लोग मारते हैं, अनुच्छेद बहुत सारे बच्चों ने किया है, ठीक है, ये आईपीसी की धारा 317 है। 118 में मिला ये ब्रह्मोस वाला जो मिसाइल है, भारत और रूस दोनों के सहयोग से तैयार किया गया है। 119 में एंड्रेज मैनुअल लोपेज ऑब्राडोर कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ये मैक्सिको के राष्ट्रपति चुने गए हैं, ठीक है, मैनुअल मैक्सिको के, ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। पनामा पेपर वाला मामला कहाँ से, पाकिस्तान से संबंधित है, ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को जेल हुआ। आगे देखिए 21वां क्वेश्चन क्या दे रहा है, एनआरसी, एनआरसी में जो अवैध शरणार्थी पाए गए हैं सबसे ज़्यादा कहाँ से मिले अवैध शरणार्थी, ये असम वाला मामला चल रहा था, अभी इतना ज़्यादा दंगा फसाद हुआ, ठीक है। सफ़र वाला क्वेश्चन पूछा है तो डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। और 123 में जो है आपका राइट आंसर ये मंगल ग्रह पर, ठीक है, सब कुछ वहीं मिलता है, झील वील रहने जैसा स्थान सब कुछ वहीं है। 124वें में याद रखें दोस्तों, सिंगापुर में आके डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात किया किम जोंग से, सिंगापुर में। आगे देखिए आगे 125वें में आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये थोड़ा सा अपने यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि मेरे सामने आया तो मुझे भी एक बार चेक करना पड़ गया, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है सी है, ठीक है, 125 में क्या राइट आंसर है, सी है। 126 में पूछ रहा है कि केंद्र में उत्तर प्रदेश, अच्छा इसमें कौन सा उत्तर प्रदेश में है, याद रखिए डी, कौन सा डी जो है आपका तीन और चार, आलमगीर और हुलास, ये दोनों जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। आगे है कौन सी विदेशी संस्था से संबंधित थी बताइए, 127 नाना देसी, कौन सी थी, नाना देसी, ठीक है, नगरम व्यापारियों से संबंधित थी, ठीक है, गलती मत करिए। 128 में पूछा है दोस्तों, 128 में क्या राइट आंसर होगा बताइए, किताबों के बारे में पूछा है, यहाँ पर देखिए सब कुछ सही दिया है, यहाँ पे शौकीन बोल के गलत कर दिया है, तो यहाँ पर देखिए कि ठीक तो है लेकिन व्याख्या जो है वो सही ढंग से नहीं है। वैसे मुझे लगता है कि यहाँ जो शौकीन वर्ड डाल दिया ना, इसके वजह से आप कह सकते हो कि पहला सही और दूसरा गलत है, क्योंकि कोई शौकीन नहीं होता था, ठीक है। आगे देखिए 129 में जो बोला है हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख से ये पता चलता है, इसके अलावा अयोध्या अभिलेख जो है दोस्तों वहाँ से भी इस बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है, तो ये भी एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बन रहा है मेरे हिसाब से, एक बार आप इसको चेक करिएगा। और 130वां जो बोल रहा है दोस्तों, ये परगना के समानार्थी था, ठीक है, यहाँ पे याद रखिए परगना के समानार्थी था चकला, किसके समानार्थी, परगना के, ये आपको पढ़ाया गया है। आगे देखिए 131वां क्वेश्चन, 131 में याद रखिए बी आपका राइट आंसर है, सरदेश मुखी ने दोस्तों ये राजस्व के दावों के लिए चौथ वसूलते थे, क्या वसूलते थे, चौथ। 132 में भी कौन सा सही है, सलीमा सुल्तान, हमीदा बानू बेगम, कई लोग गलती किए हैं, ठीक है, याद रखिएगा सलीमा सुल्तान यहाँ पे राइट आंसर है, सलीमा सुल्तान। 133वें में कौन सा सही उत्तर है सर बताइए जल्दी से, 133वें में डी है, ठीक है, लियाकत अली लखनऊ का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, डी वाला हो जाएगा 133 में। 134 में कौन सा सही है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 134 में याद रखिए बी, ठीक है, वारंगल से रामचंद्र देव जी नहीं थे। 135 में कौन सा सही है, 135 में भी बी सही है, ठीक है, बी ए डी सी, बी ए डी सी। आगे देखिए 136 में पहुँचते हैं, 136 में आपका गुजरात है, सबसे लंबी तट रेखा सभी ने किया होगा, ठीक है। इसके बाद जैविक आपदा किस नदी को घोषित किया गया, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, हालांकि आजमगढ़ में बहती तमसा नदी, ठीक है, इसको भी घोषित किया गया था कुछ समय पहले, और इसके अलावा जमुना का भी नाम आया था, लेकिन जमुना तो इतना नहीं गंदी, लेकिन तमसा मेरे हिसाब से हो सकता है, एक बार आप देख लीजिएगा, ये अभी इसका उत्तर नहीं पता चला है। 138वें का उत्तर भी नहीं पता चला है, ठीक है, हालांकि आप सेवराय की पहाड़ियां वहां से आगे बढ़ती हैं, लेकिन एग्जैक्ट उस पहाड़ी का नाम सेवराय आप नहीं बोल सकते, फिर भी आप मान के चलिए अगर राइट आंसर बनता है तो सेवराय ही बनना चाहिए। आगे देखिए 139वां में, 139 में पैलियोसीन आपका राइट आंसर है, पैलियोसीन, ठीक है। 140वें में आपका ताप्ती नदी हो गया, ठीक है, पश्चिमी घाट से निकलती है, ठीक है, नर्मदा ताप्ती एक ही जगह से निकलती है ना। आगे देखिए एक ही पास से, वैश्विक गांव की संकल्पना किस पे आधारित है, तो ये आपका परिवहन और संचार का विकास से आधारित है, कई लोगों ने सामाजिक विकास किया है, हालांकि हो सकता हो भी सही हो, लेकिन अभी तक जो नेट पे मिला अवेलेबल वो यही है, परिवहन एवं संचार विकास, ठीक है। आगे देखिए 142वें में कौन सा है, तो डेनमार्क उत्तर है, गलती किया होगा बहुत सारे लोगों ने, भारत के पीछे गए होंगे ना,
ठीक है, भारत में दुग्ध उत्पादन में नंबर वन है, लेकिन प्रति गाय दुग्ध उत्पादन में फेल है। डेनमार्क वहां पर आगे बढ़ जाता है, नीदरलैंड का भी नाम आता है, लेकिन डेनमार्क आपका राइट आंसर है। 143 में कौन सा है, तो श्रावस्ती। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बुद्ध जी ने सबसे ज्यादा भाषण दिया और यहीं पर जो है सबसे ज्यादा साक्षरता में कमी यही है, तो सी याद रखेगा 143 में। 144 में कौन सा है, किसकी प्रजाति, तो अंगूर की प्रजाति है। इसमें भी बहुत सारे लोगों ने गलती किया है, ठीक है, सुल्ताना को अमरूद समझ के मारा, लेकिन अंगूर है यहाँ पर, अमरूद नहीं अंगूर है। 144 में डी हो जाएगा। 145 में दोस्तों कौन सा सही है बताइए, तो केरल है, ये तो सिंपल सा उत्तर है। 146 में बताइए, 146 में ये सिंपल क्वेश्चन था, तो सी यहाँ भी उत्तर है, आप मिला लीजिएगा, ठीक है, आप लोग बैठ के मिलाइए आंसर, ठीक है। और अब आखिरी के कुछ बचे क्वेश्चन, 147, इसमें जो आपका चिली है ये राइट आंसर है, अग्रणी उत्पादक में चिली राइट आंसर है, चीन नहीं है चिली है, ठीक है, सर्च कर लिया मैंने, देख लिया, अब आप लोग खाली मिलाइए। 148 में भी कौन सा है, सी ही है यहाँ पर, ठीक है, 148 में भी सी है। 149, ठीक है, 149वें क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है, डी वाला हो जाएगा। और अंतिम में है कि पहला सरसीप कौन था, तो सबसे पहले आए थे दोस्तों कीट, ठीक है, सबसे पहले कौन आए थे, कीट, और उसके बाद आए थे आपका, वैसे आप कीट नहीं बोल सकते, सबसे पहले जलीय जीव आए थे, एक कोश किए आए थे, फिर बहुकोश किए आए थे, उसके बाद रेंगने वाले आए थे, ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा मैटर बन सकता है। तो आप एक काम करो ना, तो सबसे पहले आप ले लो स्तनधारी, सबसे लास्ट में कर दो स्तनधारी, सबसे लास्ट में, यानी फोर वाला तो लास्ट में होगा, तो यहाँ पे तीन तीन ऑप्शन मिल जा रहा है फोर वाला। अच्छा देख लेते हैं एक बार, सबसे लास्ट में फोर वाला कर लो, और कीट को आप पहले ही कर लो, क्योंकि सरीसृप वर्ग से पहले कीट वाले कर लो, कवच जीव, ठीक है, कवच वाले भी कर सकते हो। तो एक काम करो, 2 3 1 4 देखो कोई ऑप्शन दिया क्या, 2 3 1 4, तो मेरे हिसाब से बी वाला हो जाना चाहिए, 2 3 1 4, ठीक है, बाकी आप एक बार मिला लीजिएगा। तो कुल मिला जुला के 5-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा से कंफ्यूजन भरे हैं, लेकिन बाकी आंसर जो है वो सर्च कर लिए गए हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये सेट एक ही बात कर रहा था और सारा आंसर ढूंढ करके ये काम किया गया, ओके, तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, खाली आंसर को मिलाइए फटाफट। और जो हमारी क्लास रुकी थी दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, अभी तो फिलहाल मैं घर पे ही हूँ, लेकिन कल से मैं पूरा सेटअप अपना घर पे ही बना रहा हूँ, ताकि मैं अगर मैं अपने सेंटर पे रहूँ तो वहाँ से भी अपनी क्लास ले सकूँ, और घर आता हूँ किसी दिन तो घर से भी मेरी क्लास कंटिन्यू रहे, ठीक है, तो इसके लिए मैंने अपना 2-2 सेंटर ओपन कर दिया और मेरा काम पूरा हो गया है। बस 1-2 दिन के अंदर आपकी वीडियोस जो होंगी वो कंटिन्यू चालू हो जाएंगी, फिर उसके बाद लाइफ में मुझे लगता है कभी नहीं दिक्कत रहेगा, क्योंकि अगर सेंटर पे रहूँगा तो वहाँ से पढ़ाऊँगा, घर आऊँगा तो घर से पढ़ाऊँगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल आप लोग मिला लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना हेल्प आपको मिला स्टडी 91 से, क्या परफॉर्मेंस रहा और क्या उम्मीद रही आपकी, क्या कर सकते हो, क्या आगे मेंस का देने का चांस बनता है कि नहीं बनता है। और कल मैं वीडियो फिर से अपलोड करूंगा और आपको बताऊंगा इसकी कट ऑफ लगभग कितनी जाने की चांस बन सकती है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।